हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल रियल ब्यूटी। गाइस कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। गाइस आज की वीडियो में मैंने आपको स्किन की प्रॉब्लम्स के बारे में बताया है। फ्रेंड्स, जिनको डार्क सर्कल हैं या जिनको पिंपल्स के दाग हो गए हैं, देखिए फ्रेंड्स मुझे भी यहाँ पे पिंपल्स के दाग हो गए थे। अगर आपने मेरे पहले ही वाले वीडियो देखे होंगे तो आपने उसमें नोटिस किया होगा कि मुझे भी यहाँ पे पिंपल्स के बहुत ज़्यादा दाग थे और वो बहुत ज़्यादा शो हो रहे थे। तो गाइस मैं जो DIY कर रही हूँ उससे जो मेरे दाग हैं वो पूरे ही ठीक हो गए हैं। और जिनको ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है यानी रोम छिद्र की प्रॉब्लम है, तो गाइस इस जो रेमेडी मैंने बताई है इस रेमेडी से आपकी वो भी प्रॉब्लम्स दूर होंगी। तो गाइस आप इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई कीजिए। ये बहुत बहुत ही पावरफुल रेमेडी है और जो भी मैं बताती हूँ वो सही में बहुत अच्छा इफेक्ट करता है। और फ्रेंड्स जब भी आप YouTube चैनल खोलते हो तो आप हमेशा यही सोचते होगे कि आज कुछ नया मिले, कुछ भी रिपीट ना मिले, आज कुछ नया मिले। तो मैंने यही कोशिश की है आपको कुछ नया दिखाने की और इससे आपके जो भी फेस की प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएंगी। जो आपको रिंकल्स हैं या झुर्रियाँ पड़ जाती हैं या पिम्पल्स जब फोड़ देते हैं उसके दाग हो जाते हैं या ओपन पोर्स हो जाते हैं, तो ये ऑल प्रॉब्लम का वन सॉल्यूशन है गाइस। इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और गाइस हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे मैंने गाइस सौंदर्य हर्बल का विटामिन सी लिया है। ये गाइस जो हमारा संतरा होता है उसका छिलका है, ये ओरिजिनल है। जो ऑरेंज है उसके छिलके हैं गाइस इसमें, उसका पाउडर है तो मैंने ये लिया है। एक गुलाब जल की बोतल ली है, रोज़ वाटर जिसे कहते हैं, और एरंडी का तेल लिया है जिसे कैस्ट्रोल ऑयल कहते हैं। तो गाइस अभी आपको जो मैंने विटामिन सी का पैकेट खोल लिया है उसे मैं एक चम्मच मेरे बाउल में डाल लूँगी और उसमें मैं गुलाब जल भी ऐड कर लूँगी। ऐसी कोई क्वांटिटी नहीं है फ्रेंड्स, आप अपने फेस के हिसाब ही ले सकते हो। मिश्रण जो है वो थोड़ा ज़्यादा पतला भी नहीं और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, नॉर्मल चाहिए। और इसमें मैं ग्लिसरीन भी थोड़ा ऐड करूँगी। दो से तीन ड्रॉप इसे मैं ऐड कर लूँगी। फ्रेंड्स इससे क्या होता है, जो हमारी स्किन की डेड स्किन है वो निकल जाती है, रिमूव हो जाती है और स्किन थोड़ी सॉफ्ट लगती है ग्लिसरीन से। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी मैं गुलाब जल डाल रही हूँ और उसे अच्छे से मिश्रण को मिक्स कर ले रही हूँ। ये देखिए थोड़ा गाढ़ा हो गया तो मैं अभी इसमें थोड़ा सा गुलाब जल और ऐड कर लूँगी इस तरीके से। और इसके थोड़ा पतला मिश्रण बना लेना है और अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है आपको। इस तरीके से आपको पतला बना लेना है इसके मिश्रण को। अभी मैं इसे ब्रश से की सहायता से अपने पूरे फेस को लगा लूंगी। फ्रेंड्स वहां पे मुझे ना दाग हो गए थे, तो फ्रेंड्स वो दाग मेरे भी पैक से रिमूव हो गए हैं। आपने अगर मेरे पहले वाले वीडियो देखे होंगे तो उसमें आपने हो गए मेरे दाग, बट मैंने जब से ये ट्राई किया है DIY तो इससे मेरे दाग थोड़े लाइट हो गए, थोड़े कम दिख रहे हैं अभी। तो इस तरीके से पूरे फेस पे मैं इसे अप्लाई कर लूँगी और फ्रेंड्स इसे आँखों के पास भी लगा लूँगी, क्योंकि ये कोई केमिकल नहीं है फ्रेंड्स। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी आँखों के पास, और अगर आपको ईचिंग वगैरह हो रही होगी तो आप इसे फेस वॉश कर सकते हो, बट ये बहुत अच्छा है। और अगर आपके पास ओरिजिनल संतरा के जो छिलके होते वो हो तो आप उसे धूप में सुखा लीजिएगा और उससे पीस कर पाउडर बना के एक कंटेनर में स्टोर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स इसे मैं 10 मिनट तक सूखने दूंगी। ऑलमोस्ट 10 मिनट हो गए हैं, मेरा ये अच्छे से सूख गया है और इसे मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए मेरे पहले की स्किन और अभी की स्किन में कितना फ़र्क दिख रहा है। फ्रेंड्स विटामिन सी ना फेस के लिए बहुत अच्छा होता है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। तो
गाइस ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस और एक बात, मेरा जब भी मैं वीडियो डालती हूँ, मैं हमेशा बोलती रहती हूँ कि मेरा बेटा मुझे सपोर्ट करता है, वो मोबाइल पकड़ रहा है, उसके उससे डिलीट हो गया, तो आज मैं आपको उससे मिलवाती हूँ। ये तो गाइस ये है मेरा बेटा, हाय तन्मय, इसका नाम है तन्मय। बोलो, आप प्लीज मेरे मम्मी के वीडियो में सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस ये 8 साल का है और ये मुझे बहुत सपोर्ट करता है। तो गाइस प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।